सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं। मेरा नाम दीपक है, आप देख रहे हो डेली करो विद क्रिप्टो चैनल। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बिटकॉइन का लॉन्ग पोजीशन ओपन है। जो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, मेरा एंट्री देख सकते हो, एंट्री करीब में हुई है 20,000 के करीब में मैंने एंट्री लिया था, 20,700 के करीब में मैंने एंट्री लिया था। और मेरा भी प्रॉफिट चल रहा है 300% के करीब में, 340%, मतलब 340% के करीब में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो खतरनाक प्रॉफिट यहाँ पर मेरे को रनिंग चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिटकॉइन में ओपन करके रखा हूँ। अभी मार्केट इजीली यहाँ पर 30,000 क्रॉस कर दिया, मतलब अभी मार्केट 30,000 पर ट्रेड कर रहा है, खतरनाक अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बिटकॉइन का अपडेट देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं। बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स देखते थे, यहाँ पर 68 है फेयर एंड ग्रीन 68 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिनट पर कर रखा हूँ, एक मिनट पर देख सकते हो तो बायर के तरफ पर कैंडल है, मतलब कि जो घड़ी दिख रहा है, घड़ी घड़ी क्या बतला रहा है कि बायर अभी बैठा हुआ है, पूरा फुल्ली बायर बैठा है। एक मिनट पर, पाँच मिनट पर भी करता हूँ तो 5 मिनट पर स्ट्रॉन्ग बायर, ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है। 15 मिनट पर देखते हैं, 15 मिनट पर भी खतरनाक, 15 मिनट पर यहाँ पर देखिए बायर, नॉर्मल बायर बैठा हुआ है। 30 मिनट पर देखते हैं और 1 आवर पर देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो घड़ी, इसका घड़ी का काटा देख सकते हो, मतलब कि बायर यहाँ पर फुल्ली बायर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पर बाय करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट पर तो और सबसे ज़्यादा स्केल्प हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि बिटकॉइन को अभी बाय कर रहा है और बाय करने के कारण मार्केट बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, 30,000, 31,000, 32,000 मार्केट यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फेयर एंड ग्रीन हरा हरा दिख रहा है, एकदम 6% के करीब में बिटकॉइन अप हुआ है। ETH 3% के करीब में, BNB 5% के करीब में, XRP 4% के करीब में, मतलब कि हरा हरा दिख रहा है, सब तर हरा हरा दिख रहा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग है बायर यहाँ पर बैठा हुआ है। वन डे का चार्ट ओपन करता हूँ। वन डे का चार्ट में यहाँ पर देखिए क्या था, यह रजिस्टेंस था। ठीक है, ये क्या था, एक रजिस्टेंस था, इस रजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक, लास्ट में ब्रेक किया और ब्रेक किए तो रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर फुट सीना भाग जाता है, मतलब कि हद होता भाई, हम लोग पोजिशन भी ओपन नहीं करने देता, मार्केट ऊपर भाग जाता, क्या दुनिया चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पर इजीली यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट इजीली ऊपर है, ऊपर जाके यहाँ पर 30,000 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इजीली मार्केट वहाँ पर 30,000 पर चल गया और 30,000 पर जाके यहाँ पर 30,430 हाईएस्ट लगाया है। ठीक है, हाईएस्ट लगाने के बाद मार्केट थोड़ा बैक आया है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 30,134 के करीब में, मतलब देखते हैं मार्केट 30,000 के नीचे क्लोज करता है कि ऊपर क्लोज करता है। अगर 30,000 के ऊपर क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस का ये लाइन दिख रहा है, अगर इस लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट इजीली 32,000 से लेके 42,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट इसी 30,000 के नीचे, मतलब कि रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर क्लोज करता है तो मार्केट एक मरते सपोर्ट लेने फिर से वही 29,000 के करीब में रिट्रेसमेंट करेगा, अगेंस्ट मार्केट ऊपर जा सकता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वही अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ओपन करते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कितने बार इसको रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद लास्ट में यहाँ पर ये इसको ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 30,000 को टच कर दिया, 30,400 के करीब में मार्केट इजीली टच कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक किया एक बार, फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट ले, डायरेक्ट यहाँ पर 32,000 के करीब में जो मेन इसका रेजिस्टेंस है उसको भी टच कर सकता है। ठीक है, लेकिन जाके यहाँ पर जो मेन 30,000 का रेजिस्टेंस निकलता है उस रेजिस्टेंस पर जाके रुका हुआ है मार्केट और थोड़ा मोड़ा मार्केट वहीं पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो एसेंडिंग ट्रेंगल बोल सकते हो, जैसे सिमेट्रिकल ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को इजीली ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर एंट्री लिया, एंटी लॉन्ग पोजीशन ओपन लिया और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, देख सकते हो कैसे इसको ब्रेक कर दिया सिमेट्रिकल ट्रेंगल को। ठीक है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर इजीली चल गया। टेलीग्राम पर आओ, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो फटाफट, सारा अपडेट मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, जो भी कॉल पोजीशन होता है मैं कहाँ देता हूँ, टेलीग्राम पर देता हूँ। यू कैन गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो। ठीक है।